उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उधम सिंह नगर जिले के तीर्थ स्थल नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अमावस्या को मत्था टेका और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में उन्होंने प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनसे वहां के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने नानक मत्ता में दो योजनाओं का शिलान्यास कर डेरा कार सेवा में चल रहे ग्रंथ साहिब पाठ में शिरकत कर आशीर्वाद लिया व मीडिया से रूबरू होते हुए पवित्र स्थल नानक मत्ता का बखान किया और पतंग नगर यूनिवर्सिटी में चल रही शिक्षकों की हड़ताल पर जल्द निस्तारण की बात कही। पवित्र दिन है, अमावस्या का दिन है और हमारा जो सिख पंथ है अमावस्या का इसमें विशेष महत्व है। इसलिए मैं सभी जो अनुयायी हैं, जो भक्त लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, गुरु नानक देव जी का 550वां वर्ष चल रहा है और उसको पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर एक पार्किंग और एक थारू कल्याण भवन का यहाँ पर आज शिलान्यास किया जाएगा जो लगभग 3 करोड़ की लागत से उनको बनाया जाएगा। सीएम साहब, पंतनगर यूनिवर्सिटी एक विश्व में एशिया में मानी जाती है लेकिन वहाँ हड़ताल चल रही है, एक सेमेस्टर पीछे हो गए बच्चे, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो उसके बारे में हम संज्ञान लेंगे। मैं तभी सभी जो वहाँ का शिक्षक मंडल है उनसे कहना चाहूँगा कि उनको तुरंत बच्चों के हित में अपनी हड़ताल वापस लेना चाहिए और उनकी कोई डिमांड है तो उनको बातचीत करना चाहिए सरकार से। सर, हड़ताल को हम बिल्कुल भी प्रोत्साहित करने वाले नहीं हैं और अगर कोई हड़ताल करते हैं तो उनको लगता है कि उनके दबाव में कुछ होगा तो उनको अपनी गलतफहमी दूर। दूसरा, एक भव्य रूप अभी तक नहीं दिया गया है शहीद द्वार को लेकर, जिसका आपकी घोषणा थी कि शहीद स्मारक को एक भव्य रूप दिया जाएगा खटीमा को। अच्छा, खटीमा? जी जी हाँ, उसके लिए भूमि मिल गई है जी और उस पर जो घोषणा है उसको पूरा सरकार 550 गुरु नानक के बरसों पर और क्या क्या विशेष प्रोग्राम के तमाम उस पर प्रोग्राम चल रहे हैं और कुछ सुझाव आ